हे एवरीवन, कुलुम्बाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज बहुत ही मज़ेदार सा रेसिपी के साथ आई हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ बैम्बू शूट का अचार, बैम्बू शूट पिकल। तो कैसे मैं बनाऊँगी मेरे स्टाइल में, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो आप लोग भी बना सकोगे क्योंकि अभी बैम्बू शूट का सीज़न चल रहा है। तो फिर चलिए स्टार्ट कर देते। तो शिलोंग गई थी घूमने, तो ये वाला रेसिपी देने के बाद मैं एक दो दिन बाद शिलोंग वाला व्लॉग डालूँगी। तो तब तक के लिए आप ये रेसिपी देखिए और आप बनाइए भी, क्योंकि बैम्बू शूट तो हर जगह मिलती है इजीली, क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है, सीज़न नहीं चलने से तो नहीं मिलेगा। तो शिलोंग में 50 में हम लोगों को 3 पीस मिल गए थे, बट हम लोग का यहाँ पर 1 पीस में ही 50 लिया था उस दिन मैंने ख़रीदा था। तो बहुत ही सस्ती में मिल गया, क्योंकि 50 में 3, तो 3 में से 2 मैं अचार बनाऊंगी और 1 खाऊंगी सब्जी। तो अभी मदर इन लॉ ने अच्छे से इसको काट के पानी में रख के गया था, तो अभी मैं ये अच्छे से काटूंगी। फिर काटने के बाद कैसे मैं बनाऊंगी आप लोग देखिए, वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। तो मैंने अभी बैम्बू शूट को अच्छे तरह से काट लिया है और एक बार वॉश भी कर दिया मैंने, और फिर मेरे हाथ में तो चोट भी लग गया, कुछ ना कुछ तो होते रहता है, बट कोई बात नहीं। बैम्बू शूट का पिकल बनाने में थोड़ा तो मेहनत लगेगी, इतना भी मेहनत नहीं, जस्ट छिलका उतारो, अच्छे से धो, फिर काटो पीस पीस। एंड अभी करूँगी मैं बॉयल, तो बॉयल में 5 to 10 मिनट्स करूँगी, और बॉयल करने से मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी डालूँगी 1 टेबल स्पून, और फिर जब ये पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब मैं ये बैम्बू शूट यहाँ पे डाल दूँगी। एंड अभी बॉयल हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा से बॉयल हो रहा है। बॉयल कर लिया अभी, तो अभी ये मैं धूप में सुखाने दूँगी अभी। ओ बहुत गर्म है, तो एकदम अभी ये धूप में सुखाने दूँगी। 5 to 10 मिनट्स बॉयल किया, चलो फिर अभी सुखाने ले जाती हूँ। तो अभी मैं ये धूप में सुखा के रखती हूँ, क्योंकि जब भी सूरज देवता का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है, धूप बहुत कड़क है, तो ये हो जाएगा, एक ही दिन में हो जाता है ये। तो ये सुखाने के बाद शाम को लेके जाऊँगी। ये रहा फ्रेंड्स, बैम्बू शूट एकदम सूख गया है अच्छे से एक ही धूप में। तो थोड़ा और सूखना बाकी था, लेकिन हो जाएगा, इतने में भी कोई बात नहीं, पानी सूख गया, पानी नहीं है। और अभी इसके लिए अचार में डालने के लिए अभी मसाला रेडी करेंगे। तो मैंने रेड चिल्ली लिया है यहाँ पे, ड्राई रेड चिल्ली फालोगर एंड लाड। एंड यहाँ पे मैंने खड़े मसाले में लिया है जीरा, मीठी और मस्टर्ड सीड। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 फोरन लिया है, बस यही है मसाला मेरा। तो ये अभी मैं रोस्ट करूँगी। रोस्ट करने से मसाला का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो जाता है, बहुत अच्छा एक खुशबू आता है मसाले में। तो अभी मैं ये 5 फोरन ऐड कर रही हूँ, जो कि अच्छे से ढो के हम लोग ने रख दिया था बोतल में भरा के। तो हम लोग मसाला बाहर से लाने से हम लोग ढो के सुखा देते हैं छन्नी में, फिर हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी मैं ये सारे मसाले को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लूँगी, फिर इसका पाउडर बनाऊँगी मैं। पाउडर भी इतना मतलब पूरा एकदम फाइन पाउडर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब पाउडर को हम लोग को इतना भी फाइन नहीं करना चाहिए। मसाला ऑयल गरम हो गया है, अभी यहाँ पे जाएगा बैम्बू शूट। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, जो कि लोकल वाला। मैंने मिक्स कर लिया थोड़ा सा, अभी यहाँ पे जाएगा नमक और हल्दी। अच्छे से मिक्स कर लूँगी अभी।
हल्दी नमक अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अभी इसको अब थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, जस्ट थोड़ा सा, क्योंकि ये धूप में जब हम लोग सुखाते रहेंगे तभी ये पक जाएगा। जस्ट थोड़ा कहता ताकि इसका कच्चापन जाए। तो अभी ये खड़ा मसाला भी मैंने डाल दिया, तो ये भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी देख सकते हैं मैंने मिक्स कर दिया मसाला। और अगर ऑयल की ये ठंडा होने के बाद ही बोतल में रखूँगी, कांच का बोतल में। और अगर ऑयल चाहिए होगा तो बाद में मैं गरम करके यहाँ पे ऑयल डाल दूँगी। ऑयल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बाद में भी डाल सकते हैं अगर अभी कम हुआ है तो। और यहाँ पे मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालूँगी, ये है लहसुन। तो यहाँ पे मैं लहसुन डालूँगी जो कि टेस्ट बहुत अच्छा करता है, और फिर क्योंकि लहसुन का असर भी बहुत टेस्टी होता है। बस इसको अभी मैं 2 मिनट तक रखूँगी और फिर बंद करूँगी। तो लगभग 5 से 10 मिनट तक लग जाते हैं ऐसे मसाला वसाला लगा के रेडी करने में। मैंने अभी गैस ऑफ कर दिया है, तो ये अभी मैं ठंडा होने दूँगी, फिर डालूँगी बोतल में। सो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है बैम्बू शूट का अचार। सीज़न चल रहा है, आप लोग भी मेरा ब्लॉग देख के वीडियो देख के बना सकते हो एकदम ईजी इंग्रेडिएंट्स में, जो ये सब मसाला घर में ही रहता है ज़्यादातर, बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरी है। फिर आप आराम से दाल चावल ये अचार लो, मस्त से खाओ। ये वाला कांच का बोतल में रखूँगी मैं। एंड हियर इज़ माई बैम्बू शूट का अचार। तो फिर कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने बहुत प्यार से और बहुत मेहनत से बनाया, तो आप लोग भी बनाइएगा घर में, फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय कीजिएगा। और ये मैं धूप में सुखाऊंगी 2-3 दिन तक, फिर उसके बाद ये खाने लायक हो जाएगा। क्योंकि दो तीन दिन मतलब 1 वीक धूप में मैं अच्छे से रख दूँगी और फिर मैं खाऊंगी। और थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे गरम करके ऑयल दे दूँगी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये पिकल का रेसिपी, मतलब पिकल रेसिपी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा कोई नए हैं तो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।